टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या यह एक वक्र है? सबसे पहले तो समझ लीजिए वक्र क्या कहलाते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एक आकृति बना दी पेंसिल से, ये क्या हो गया? वक्र हो गया। अब यदि इसको हम खुला रखते हैं तो खुला वक्र हो जाएगा, और यदि इसी आकृति को हम बंद कर देते हैं यहाँ से भी तो एक बंद वक्र हो जाएगा। अब यदि हम ये कर्व लाइन से बनाएं तो ये देखिए ये खुली वक्र ये बन गई, इसी को हम बंद कर दें कर्व लाइन से तो ये बंद हो गई। अब जो वक्र होते हैं वो सीधी लाइन से ही बनाए जा सकते हैं और वक्र लाइन से भी, अर्थात गोलाई ली हुई लाइन से ही बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक वक्र हो गया। इसको हम खुला भी रख सकते हैं, ऐसा हमने इतना खुला हिस्सा छोड़ दिया तो ये खुला वक्र बन गया। तो क्या यह एक वक्र है? बिल्कुल है, ये कोई भी आकृति वक्र कहला जाती है, तो ये हाँ हो जाएगा। क्या यह बंद है? अब ये देखिए, ये जो आकृति दी है इसमें कहीं से भी जगह नहीं छूटेगी। आप इसके कॉर्नर देख लीजिए पूरे, ये कहीं से भी खुले हुए नहीं हैं। जो इसकी लाइंस है ये भी कहीं से भी खुली हुई नहीं है। ये देखिए, ये जो लाइंस हैं कहीं से भी ये खुली हुई नहीं है, सब जगह से बंद है। तो क्या यह एक बंद है? हाँ बिल्कुल है, तो इसमें भी लिखेंगे हाँ। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 पूरा हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।